इतने नौजवानों, आपको हम स्वागत करते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं कि आगे चल करके आप सम्मानित नेता बने और ये समाजवादी पार्टी को मजबूत करें। समाजवादी पार्टी को मजबूत करने से हमारा देश मजबूत होगा, हमारा किसान मजबूत होगा, हमारा गरीब मजबूत होगा। जो आज हमारे 2 करोड़ तो लोग रोजगार हैं, बेरोजगार हैं, जिन्हें उनको कोई नौकरी कोई रोजगार नहीं मिला है, ये मामूली बात नहीं। आपको याद है मैंने लोकसभा में प्रधानमंत्री से कहा था कि आप कह रहे थे हम सबको काम देंगे और जिनको काम नहीं मिला उन्हें 15 लाख रुपया देंगे। तो मैंने कहा मानना तो 15 लाख नहीं दे सकते हो, तो 3-3 लाख दे दो पर साल में, 15 लाख हो जाएंगे। लेकिन 1 रुपया भी नहीं दिया। तो मैंने कहा आपने झूठ बोल कर जनता को ठग करके सरकार बना ली, आपने पढ़ा होगा। इसलिए आज कहना चाहते हैं समाजवादी पार्टी की कसे कनी में भेद नहीं है। समाजवादी पार्टी जो कहती है आज सरकार में आएंगे तो वही काम करेंगे जो अभी कह रहे हैं। और आपने देख भी लिया है कि समाजवादी पार्टी में जब सरकार बनी थी तो अकेले यूपी से 6 लाख लोगों को काम दिया था, नौकरी भी दी थी, सचिवालय में लगाए और उनको जो नहीं दे पाए थे उनको बेरोजगारी भत्ता दिया, आपको याद होगा। और हमारी जो लड़कियां थी कन्याएं थी उनको सबको नौकरी देने का कोशिश की और जिनको नौकरी नहीं मिल पाई तो उनको काफ़ी पैसा मदद की, ये मदद की। और नाम आपने देखा था कि लड़की कितनी गरीब थी लेकिन बहुत अच्छा काम कर रही थी पार्टी का। जब वहाँ हम गए तो वही सब लोगों को इकट्ठा किया एक बाग में और हमारी सभा कराई थी, तब मैंने उस लड़की की मदद की और सब उन्नाव के लोगों ने फिर कहा अब हम पूरी मदद करेंगे, मदद की। आज वो लड़की पढ़ लिख करके आगे निकल गई और उसने कहा 7-2 साल में हम समाजवादी पार्टी का ही काम करेंगे। ये आप समझ लीजिए, इसलिए हम आपसे बहुत खुश हैं कि हमारे नौजवान आए हैं। हमेशा हम कहते थे कि हमारी पार्टी बूढ़ी नहीं होगी, आज हमने नौजवानों को देख लिया कहाँ तक हैं नौजवान। तो ये नौजवान हमारी पार्टी बूढ़ी नहीं होगी, हमारी पार्टी जवान रहेगी, इन जवानों के हाथ में होगी, इन बेटियों के हाथ में होगी। बेटी अकेली मत आया कर, 10 लड़कियों को लेके आया कर, लाएगी आगे चल के ए लड़की जी, अकेली बताया कर 10 लड़कियों को लेकर आया करो, कम ये तय कर लो दोनों मिलके कि अब जब भी आएंगे तो कम से कम 10 लड़कियों को लेकर आएंगे, तो हमारी पार्टी मजबूत करेगी। हम अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं कि आज लड़कियों की तादाद बहुत कम है, अब 2-4 आई उन्हें धक्का मुक्की कर रहे बीच में खड़ा किया, बताओ वो भी बीच में खड़ी और वो भी बीच में खड़ी, आगे आना चाहिए, आगे लाना चाहिए। लेकिन बता दीजिए तुम लड़कियों को पीछे खड़ा करोगे, धक्का मुक्की जहाँ होती वहाँ लड़कियाँ रहेंगी। इसलिए आज हम आपसे कहना चाहते नौजवानों बहुत बड़ी तादाद में आए हैं, ये बड़ी तादाद में सारे लोगों ने तय किया कि सरकार बनाएंगे तो सरकार बन जाएगी। आज हमको वादा करके जाओ चाहे कुछ भी करना पड़े कि सरकार बनाएंगे, यूपी में तो बनाएंगे, यूपी के बाद को लोकसभा के मेंबर ज़्यादा जिताएंगे, जिससे यहाँ भी हमारी पार्टी का हिस्सा हो जाए सरकार में। दिल्ली में भी पहले दिल्ली में हिस्सा हुआ था, उसी तरह से आप लोगों से एक ही बात कह रहा हूँ कि चुनाव जिताना है, एमएलए का भी जिताना है, लोकसभा के मेंबर को भी जिताना है, ये संकल्प
और प्रतिज्ञा करके जाना और महिलाओं को ज्यादा खड़ा करना, महिलाओं को भी खड़ा करना। बताओ हाथ उठा के बताओ अपने अपने जिले में एक एक दो दो लड़की को पार्टी के पदाधिकारी बनाइए, चुनाव भी लड़ाइए और MLC बनवा लीजिए, MLA बना लीजिए। मैं कहूँगा नेताओं से, अखिलेश सब से, सभी अध्यक्षों को और नेताओं को बुला के बात कीजिए, चाहे कुछ भी हो, हर कमेटी में महिला हो, हर ब्लॉक में महिला BDC की मेंबर हो, सब जगह जिला परिषद की मेंबर हो, तब ये जब लड़कियां आगे निकलेंगी फिर पार्टी सबसे ज़्यादा मजबूत बनेगी। महिलाओं की तादाद भी 47% है, पुरुषों की तादाद 53% है, महिलाओं की तादाद 47% है। इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप सबको लेके चलें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें और बेदाग रहें, कोई किसी तरह का आरोप न लगाएं। लेकिन एक ही बात कमी है, आज लड़कियां और महिलाएं कम आई कार्यक्रम में, ये अच्छी बात नहीं है, आना चाहिए था तो लाना चाहिए थे, कि लड़कियां हैं तो लड़कियों को एक दो दो लेके आना चाहिए था, अकेली क्यों आई, लेके आना चाहिए थे। इसलिए हम आपसे कहेंगे लड़कियों से आगे चल के लेके आना और बहुत जल्दी सम्मेलन कहीं बुलाएंगे, हम कहेंगे अखिलेश से भी और पार्टी के नेताओं से कहीं सम्मेलन और कर लेना, जैसे लड़कियों को जिम्मेदारी दे रहे कि लड़कियां भी आएंगी और ये हमारे नौजवान हैं वो भी लड़कियों को लाएंगे, महिलाओं को लाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका स्वागत है, आपको धन्यवाद है, आपकी भविष्य की कामना करता हूँ कि आगे चल के आप नेता निकलें, ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी इच्छा है कि हमारे लोगों में से नेता निकलें। नेता निकलेंगे कोई काम ऐसा मत करना, बेदाग रहना, नेता बन जाओगे, आप पे कोई आरोप न लगा सकें, ये संकल्प लेके जाना। इन्हीं शब्दों के साथ सभी बेटियों का और सभी नौजवानों का, सभी नेताओं का मैं स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे सरकार बनाएंगे सूबों में भी और दिल्ली में सरकार बने तो ऐसी ताकत दे दो जिससे आपके समर्थन के बिना न बने। ऐसा दो बार हो चुका है कि दिल्ली में भी समर्थक समाजवादी पार्टी दिया तब सरकार बनी।